हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में उन भाइयों के लिए जिनको मंजे के बारे में कुछ नहीं पता, कहने मतलब बस दोस्तों इतना पता है कि अच्छा मांजा चाहिए भाई अगर दुकान पे जाए तो। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दुकान पे आते हैं कि भाई अच्छा मांजा चाहिए, उन्हें यह नहीं पता कि अच्छा मांजा क्या होता है, कौन से कारीगर का होता है। अच्छे मांजे की पहचान तो दोस्तों आप लोग कर लोगे, लेकिन मैं कुछ आसान तरीका ही बता देता हूँ जिसको आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब समझो मैं आपको कुछ कारीगरों के नाम दिखा दूंगा जो कि आप दुकान पे जाओ उसमें से कोई ना कोई, अगर एक ना हो तो दो ना हो तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कारीगर उस दुकान पे जिसकी चरखड़ी हो। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो ये होता है पैटर्न, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं है कारीगर क्या होता है, मेकर्स क्या होता है, कहाँ का मांजा बेस्ट होता है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो पैटर्न, ये चरखी का दोस्तों पैटर्न होता है, मतलब जो चरखी बनाता है वो अपने साथ ऊपर लगा के देता है। और ये देख रहे हो चिट, जैसे कि ये देख रहे हो दोस्तों ये अहमद लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मतलब अहमद वो है जो मांजा बना रहा है, ये दोस्तों चिट वो लगाते हैं जिनका मांजा होता है अपना हाथों से बनाया हुआ। और ये दिखाता हूँ मैं, ऐसा पैटर्न होता है दोस्तों, पैटर्न अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं कई कारीगरों के नाम भी दिखाऊंगा आपको जिससे आपको कोई दुकान पर तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास दुकान पर बोलने के लिए खाली अच्छा मांजा के वर्ड सिवाय कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे आप दुकान पर आते हो बोलते हो भाई अच्छा मांजा चाहिए, तो मैं आपको कारीगरों का नाम बता दूंगा जो कि आप दुकान पे जाके बोलो कि भाई इस कारीगर का चाहिए मेरे को मांजा। काफ़ी कारीगर है ओल्ड इंडिया में दोस्तों, कुछ छोटे कुछ बड़े जिनके मांजे दोस्तों मैदानी में लड़ते हैं, आज मैं उनको दिखा दूंगा और आप दुकान पे नाम जाके उनका ले लोगे तो कुछ पतंग वाला जो होगा अच्छी फाइटर होगा तो वो खुद अपने आप को समझ जाएगा, मतलब दिखा देगा अच्छी डोर। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये टैंप जो कि होता है, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो ये होता है कवर, ठीक है। ये कवर में आप देख सकते हो चिट होती है दोस्तों। और बाय चांस कुछ चरखड़ी दोस्तों दुकानदार ऐसा करते हैं कि मतलब टेम्पर जिस मर्जी का लगाते थे किसी और के कवर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है चरखी की इधर भी होता है, ये देख सकते हो दोस्तों फरी साबरी लिखा हुआ है, ठीक है, आजम गाइड सेंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें चिट अलग है और वो टेम्पर अलग है, ठीक है। तो आपको दोस्तों कभी भी ध्यान रखना है अगर साइड में भी चिट ना दिखे आपको, ये देखो ये फरीद साबरी की है और उसमें अहमद का ये लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग है। तो आपको कभी ध्यान रखा है एक और इस साइड दो और इस साइड तीन, एक जैसा हो तो समझो दोस्तों उसी कारीगर की है। मतलब ये चिट समझ रहे हो आप, ये चिट आपको दिख रही होगी मंजा, इसलिए मैं साफ से नहीं दिखा पा रहा, लेकिन जो चिट होती है दोस्तों ये कारीगर की होती है। जैसे अगर ऊपर का ये गलत हो ना तो ये 100% कोई सा भी हो जिसकी चिट निकलेगी उसी का ये मंजा होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये चीज़ है। और मैं आपको अभी कुछ कारीगरों के दिखा देता हूँ नाम जो कि आप दुकान पे जाओ तो आप इनका नाम ले सको अच्छा मांजा के सिवाय बोलने के, कि आप मेरे को अहमद की दिखा दो, रियासत भारती की दिखा दो, और बहुत ऐसे यासिन छुटका, यासिन खान छुटका, वाईकेसी, फरीद सावरी, दोस्तों ऐसे बहुत मंजे मैं आपको कुछ दिखा दूँ जिनको आपको बोल पर दुकान वाला आपको दिखा देगा। और ये मंजे दोस्तों मैं कारीगरों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इनके मैदान में मंजे लड़ते और बहुत अच्छे ये डोर बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त आ रहा है जैसा कि आपको पता है, और आपको पता नहीं है कि कारीगर क्या होता है। डोर तो अच्छा आपको अच्छा समझ के लोकल भी थक देते हैं दुकान वाले, लेकिन आपको इन मेकरों का नाम बता के जाना है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों जैसे कि कारीगर्स के नाम,